3.5. क्वेश्चन नंबर 7. 7 में आप कौन सा बोल रहे थे? आपको कौन सा में डाउट है? क्वेश्चन 7 में सेकंड वाला. ओके यही ना, राइट? ओके, हमें इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, इसमें ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, राइट? तो ये जो क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है, ठीक है? यानी यहाँ पे 1.02 स्क्वायर माइनस 0.98 स्क्वायर ऐसा है, इसी को ए प्लस बी ए माइनस बी, हम इसको ए मानेंगे और इसको बी, यानी 1.02 प्लस 0.98 1.02 माइनस 0.98, ठीक है? तो 1.02 इसमें प्लस करो 0.98, ठीक है? तो इसका आंसर मिलेगा 8 × 2 = 10, 10 और ये हुआ 2.00, यानी 2 ही कहलाएगा वो, 2.00 यानी 2. फिर 1.02 में से 1.02 में से 0.98 माइनस करना है, तो ये नहीं जाएगा सिर्फ 10, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10, और 12 में से 8 जाए तो 4, 0, तो 0.04 हुआ, इसका माइनस किया तो 0.04. अब 0.04 इंटू 2 करो तो 0.08, यही आंसर, ठीक है? तो ये मतलब हमने तो आइडेंटिटी बताई हुई है, उसका यूज करके इक्वेशन करना है, ठीक है? और कोई 7th में किसी और को कोई डाउट? क्वेश्चन 7 में जैसे हो गया हो कोई इस तरह से स्टार्ट कर से सारे
ओके मैं ये रफ कर दूँ ना, हर क्वेश्चन एक समझा रहा हूँ। Thank you.
प्रिया क्लास की मैं तारीफ करके गई, ऐसा नहीं है कि मुझको रुकना है अभी। मैं यहाँ से एक बार भी निकलूंगी ना, देखूंगी ना बातें करती तो पेरेंट्स को बुलाऊंगी। और मास्क ऊपर पहनना है, रूमर पहन के नहीं आना है। भूल गए नहीं, एक एक्स्ट्रा वो 5 रुपए वाला मास्क, एक दो मास्क रखो अंदर बैग के अंदर। ये सब हमें सिखाना पड़ता है, आपके पेरेंट्स को भी नहीं पता चलता आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपके पेरेंट्स एक दो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते तो यहाँ पे 1900 बच्चे हैं। टाइट बंधन निकलना नहीं चाहिए ऊपर से। चलो तो